बच्चों गुड मॉर्निंग। आज है ईवीएस का एक्टिविटी डे और आज हम एक्टिविटी करने वाले स्क्रू जैक। ठीक है, एक स्क्रू जैक नाम का एक टूल होता है, एक औजार होता है। ठीक है, तो वो कैसे काम करता है, कैसे उसका वर्किंग होता है, कैसे बनता है वो, ये सब हम ये आज सीखने वाले हैं। ठीक है, ये स्क्रू जैक, जैसे इसके नाम में स्क्रू आ रहा है, तो स्क्रू जो है एक सिंपल मशीन होती है और हमारे सिलेबस में भी है, इसलिए मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ। आगे हमारे सिलेबस में आएगी तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये स्क्रू जैक जो होता है ये स्क्रू के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये स्क्रू के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। एक सिंपल मशीन है जो बसों में, कार, ट्रक या कोई भी भारी जो व्हीकल्स होते हैं उनको उठाने के काम में आती है। उठाने का मतलब अगर उनका टायर बदलना होता है या किसी वजह से टायर नीचे धंस गया है तो उनको ऊपर उठाने के लिए ये जैक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आज आप देखते होंगे अगर आपके पास गाड़ी है तो इस तरह का एक टूल आपके गाड़ी में ज़रूर होगा। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इस तरह का एक स्क्रू जैक हम बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा डेमो। ओके बच्चों, तो ये आपके सामने देखिए मटेरियल रखा है स्क्रू जैक बनाने के लिए। ये है हमारा बेस। ठीक है, ये बेस के स्टैंड लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये बेस के स्टैंड लगाने हैं हमें इस तरीके से दोनों तरफ। उसके बाद में ये ऊपर वेट को रोकने के लिए ये पट्टी है, ये कुछ लोहे की छोटी छोटी रोड्स हैं, ये प्लास्टिक की प्लेट्स हैं। ठीक है, ये प्लास्टिक की प्लेट्स का भी यूज करना है। और ये है मेन सिस्टम जो हमारा स्क्रू जैक जो है। ठीक है, ये मेन सिस्टम है हमारा, इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू से एक हैंडल जुड़ा हुआ है और इसके साथ में इधर इन प्लेट्स को रोकने के लिए, इन प्लेट्स को कंट्रोल करने के लिए भी ये इस तरीके से स्क्रू के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये स्क्रू का ये मेन फंक्शन होता है। ठीक है, कि स्क्रू के बीच में जो दूरियाँ होती हैं, ठीक है, इन्हें पिच कहा जाता है, स्क्रू पिच। तो जितनी वो पिच की दूरी जब क्रॉस हो जाती है तो वो स्क्रू या तो नीचे चला जाता है या ऊपर चला जाता है। तो ये इसका मेन है। ठीक है, और अब हम इन प्लेट्स को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। इन प्लेट्स को हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ये देखिए, ये प्लेट्स हमें इस तरीके से जोड़नी है, ये प्लेट्स हमें इस तरीके से जोड़नी है कि ये आराम से खुल सके और बंद हो सके। दिख रहा है आपके सामने? ठीक है, अब क्या करना है, एक सिरे के ऊपर हमें ये जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, इसके अंदर से ये रोड लगाते हुए, यहाँ से ये रोड लगाई, इसके अंदर से ये डाला और इसको आर पार करके ये ऊपर का हमारा तैयार हो गया ये बेस। ठीक है, ऊपर का ये तैयार हो गया है जिसके ऊपर हम कोई भी वेट रख सकते हैं। और इसके साथ में ये नीचे का जो पोर्शन है इसके अंदर हमें ये जोड़ना है। ठीक है, ये कैसे जोड़ना है कि ये इसके इस तरीके से इसको जोड़ना है, ये दोनों सिरे, इन प्लेट्स के दोनों सिरे एक इसमें आ जाए और ये हैंडल वाले सिरे इसमें आ जाए दोनों। ठीक है, तो अब इसको जोड़ते हैं। तो देखिए, ये इस तरीके से प्लेट्स के दोनों सिरे इनके अंदर डालने के बाद में यहाँ पर ये लॉक लगा दीजिएगा ताकि ये बार बार निकले ना। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, अब ये सेटअप कर लिया हमने। अब ये स्क्रू का फंक्शन देखिए किस तरीके से काम करता है। जब स्क्रू को हम घुमाते हैं, ठीक है, इस स्क्रू को जब घुमाएंगे तब ये अपने आप फोल्ड होता है और अपने आप खुलेगा। देखिए इधर से देखिए, अच्छे तरीके समझ में आएगा फिर। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से इस हैंडल को घुमा रहा हूँ, ये हैंडल जो है स्क्रू से जुड़ा हुआ है, तो इसको जैसे ही घुमाते हैं ये अपने आप खुलता चला जाता है। ठीक है, जितना हम इसको घुमाएंगे ये अपने आप उतना ही खुलता चला जाएगा। उसके बाद में अगर इसको समेटना है हमें तो फिर वापस इसको जैसे घुमाएंगे तो ये वापस अपने आप बंद होता चला जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जितना वेट होता है फिर हमें उतने ही वेट से स्क्रू को, उतने ही फोर्स से स्क्रू को घुमाना पड़ता है। ये देखिए बंद हो गया। और अब इसको हम अपने बेस के ऊपर सेटअप करते हैं और फिर इसका फंक्शन देखते हैं। तो ये देखिए, ये अब अपना जैक तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसको वर्किंग देखते हैं, इसको कैसे काम करता है। ये देखिए, यहाँ से जब ये हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल को हम घुमाते हैं तो इस हैंडल के साथ ये जो बीचों बीच स्क्रू जुड़ा हुआ है, ये जो आर पार निकला हुआ है, ये स्क्रू घूमता है और ये इसको, इन प्लेट्स को एक्सपेंड करता है जिससे ये ऊपर उठने लगता है। ठीक है, ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ये
ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो ये इसी तरीके से गाड़ियों को, ट्रकों को, बसों को उठाने का काम करता है। ये नहीं, ये तो एक छोटा सा खिलौना है, लेकिन जो रियल का जो स्क्रू जैक होता है वो अपने इन प्लेट्स के दम पे गाड़ियों को, बसों को, ट्रकों को उठा लेता है और उनके टायर चेंज हो पाते हैं या उनके नीचे कोई काम करना होता है वो कर पाते हैं। तो ये है हमारा स्क्रू जैक, ठीक है। तो आपको एक्टिविटीज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।